गुड मॉर्निंग कैसे फ्रेंड्स, सही हो आप लोग, अच्छे होंगे। मैं आपका दोबारा करते हैं वीडियो शुरुआत नए दिन के साथ। दिन ऐसा है कि आज है मेरे देशबंधु कॉलेज में यूथ फेस्टिवल, तो आज है हमारे शो का जो भी अभी रिहर्सल वगैरह चल रही थी उसका फिनाले फैशन शो का, तो वहीं जा रहा हूँ अभी मैं। पहले कॉलेज पहले 11 से 12 एक मेरा बैच है, वैसे मुझे बैच कैंसिल करना था आज का। मैं सोच रहा था इवनिंग में लूंगा बैचेस, लेकिन ठीक है इवनिंग में मेरे पास टाइम नहीं है कोई कंटिन्यू, जो मॉर्निंग के इवनिंग की ऑलरेडी क्लासेस हैं तो इवनिंग में। मुझे ये भी नहीं पता मैं कब फ्री होऊंगा वहाँ पर, वैसे तो 1 से 4 का स्लॉट है वहाँ पर। तो अभी 11 से 12 का मैंने एक यहाँ सेशन रखा है, 12 बजे डायरेक्ट निकलूंगा देशबंधु कॉलेज, उसके बाद फिर वहाँ का शो, वहाँ से जब भी फ्री होऊंगा वो तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो पहले चलते हैं डायरेक्ट क्लास में। सो स्टूडियो में पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि करंट यहाँ पर है ही नहीं, तो लाइट ही गई हुई है आज। वैसे मुझे नोटिस तो आ गया था सोसाइटी वालों का, मुझे नहीं नोटिस, बेसिकली मेरी एक स्टूडेंट है यहीं पे, तो उन्होंने मुझे मतलब व्हाट्सएप कर दिया था कि 10 से 4 बजे का लाइट नहीं रहेगा। लेकिन एक हफ्ते पहले भी उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उस टाइम पे नहीं गई थी लाइट, मुझे लगा आज भी नहीं गई होगी। लेकिन 11 से 12 मैंने सेशन अपने यहाँ पे बैच रख लिया, अब यहाँ पे लाइट है नहीं। वैसे मेरे पास अपना स्पीकर है, मतलब ये लगा लो कि मालवीय नगर में ज़्यादा लाइट जाती नहीं है। जब से मेरा स्टूडियो तब से हार्डली 3 से 4 बार लाइट गई है, वो भी हार्डली छोटे छोटे 10 से 15 मिनट के लिए, वो मेंटेनेंस के लिए कुछ वो करते होंगे। तो आज लाइट गई है, अब मेरे को इन्वर्टर की कमी खलती है। कई बार सोचता हूँ मैं इन्वर्टर लगा लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इन्वर्टर की वैसे नीड है ही नहीं यहाँ पर। तो अब मुझे लग रहा है कि इन्वर्टर शायद लगा ही लेता हूँ। नितिन आ रहा है, नितिन मेरे साथ जाएगा देशबंधु कॉलेज पहले हम में। एटलीस्ट मेरे पास स्पीकर है जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट बैच ले लूँगा यहाँ पर। तो चलो, बट फिर भी लाइट तो लाइट ही होती है, अंधेरा पूरा हो रखा है। सो क्लास हो गई है मेरी ख़त्म, और आज लाइट नहीं थी तो स्पीकर में ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल देशबंधु कॉलेज, 1 बज गया, नितिन भी मेरे साथ जा रहा है। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं देशबंधु कॉलेज में। अभी चल रही है यहाँ पर डांस कोरियोग्राफी और फैशन कोरियोग्राफी स्टार्ट होगी। वैसे 2 बजे से स्टार्ट होने का टाइम था यहाँ पर कोरियोग्राफी का, लेकिन 2:30 बज गया अभी तक सिर्फ यहाँ पर डांस कोरियोग्राफी ही चल रही है। अभी फैशन कोरियोग्राफी यहाँ पर चलेगी 3 बजे से। ये यहाँ के कल्चरल फेस्ट का माहौल, अभी तो कोरियोग्राफी राउंड चल रहा है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर, ये जो मॉडल है ये बैकआउट कर रहा था। इसका बोलना था कि एक तो इसका मेकअप नहीं हुआ और इसके साथ बदतमीजी से बात की गई। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि स्टेज में जब मॉडल चलता है उस टाइम का माहौल क्या होता है, और बैक ऑफ द स्टेज अफरा तफरी रहती है, वो माहौल क्या होता है। ऑडियंस को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि बैक ऑफ द स्टेज चल क्या रहा, बट फाइनली मान गया ये। तो फाइनली हमारी परफॉर्मेंस भी स्टार्ट होने वाली है, जस्ट 2 परफॉर्मेंस के बाद हमारे कॉलेज की परफॉर्मेंस है। अभी किसी दूसरे कॉलेज की परफॉर्मेंस चल रही है, अगर वो गिटार भी तो बजा रहे हो फुल ऑन, मतलब वो चाहिए मुझे बैठना बूटना सब कुछ दिखाओ। ठीक है, 3 लोग भी होंगे अच्छे तरीके हमारे अंदर, मूड एकदम एटीट्यूड फुल ऑन, आपका एटीट्यूड आपको काफी जॉन से आ रहा है उस एरे में अपने आप को दिखा दो। Decades. Audaz presents to you Moda, a history of fashion. In class, the 1900s saw rigid fashion convention with bold corsets, high necklines. जो हमारा थीम है आज का वो है हिस्ट्री ऑफ फैशन, कैसे 1920 से 2020 के बीच में फैशन चेंज हुआ है। 1920 में क्या फैशन आया, 40 में क्या आया, 60 में क्या आया, 90 में क्या आया, 2010 में क्या आया। तो फाइनली हम सेकंड प्राइज जीते बाय द वे। फाइनली हमारा शो हो चुका है, 5:30 हो गए, 5:30 बजे मेरी क्लास थी यहाँ पर अपना स्टूडियो में। पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, सबको मैंने मैसेज तो ड्रॉप कर दिया है कि 5:45 का सेशन है, तो लेट्स सी। अभी तो प्राइस वैसे अनाउंस 20 से 25 मिनट बाद होने हैं,
तब तक के लिए वैसे मैं रुकना तो चाहता था कि हम क्या है हमारी पोजीशन आई बेसिकली, बट मुझे टाइम ही नहीं है रुकने का क्योंकि 5:45 15 मिनट मैंने लेट कर दिया है। परफॉर्मेंस अच्छी थी ओवरऑल, तेरे को कैसी लगी? परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक थी और दोनों ने एक्सप्रेशन जो दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया अपने वापस ने। वो क्लास लेने के बाद कॉलेज के बाद आ गया था मैं क्लास लेने के लिए, क्लास तो ले ली मैंने, आज दो क्लास थी मेरी, 7:30 वाला बैच मैंने कैंसिल कर दिया था, तो 5:30-6 बजे ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया था। मैंने नितिन को भेज दिया था, उसने ताला तुला खोल दिया था, मैं तब तक कार को पार्क कर रहा था। यहाँ कार पार्किंग का बड़ा इशू है यहाँ पर, जब भी जहाँ पर भी मतलब हिमालय नगर में। ये अभी 6:30 का बच्चा बैच, 6:30 किड्स का बैच होता है, इसके पापा भी लेने आएंगे। हेलो, ऐसे हेलो करते हैं, ठीक है। तो अतुल्या मेरे पुराने स्टूडियो में भी था, है ना, पहले वाले, इससे पहले जो स्टूडियो था उस पर भी था। तो आपको कितने मंथ्स हो गए हैं ऑलमोस्ट? काफ़ी नहीं, 12 महीने भी नहीं, 7 to 8 months तो हो गया ना, 7 to 8 months हो गए अतुल्या को। तो बट अतुल्या पहले से बेटर डांस करता है। कौन बोलता है? डांस टीचर कौन है? मतलब स्कूल में क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट है अतुल्या में। सो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घर में और काजल गई हुई है अंजलि दीदी लोगों के साथ, खाना बना कर गई है काजल, अपना कटहल और रोटी। तो अब खाऊंगा मैं कटहल रोटी, दिन था आज। कॉफी पी ली, वैसे मन तो मेरा बहुत कर रहा था मैं चाय पीऊँ आके, लेकिन नहीं पीनी, चाय पीऊंगा फिर वही चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन देखता हूँ चाय पी लेता हूँ, थोड़ी सी चीनी कम डालूंगा क्योंकि कहीं पर मन को मार लेना चाहिए, लेकिन डेडिकेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेडिकेशन नहीं होगी अपनी हेल्थ को लेके तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए चाय पीऊँ या ना पीऊँ पी लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है उतना मैं निकाल दूंगा। तो ठीक है, खाना खाता हूँ उसके बाद रेस्ट करता हूँ। अब सेकेंड आया आज हम, वीडियो एंड करता हूँ फिर कल सुबह संडे, कल ऑफ है मेरा, एकदम रेस्ट करूँगा आराम से और फिर अब थोड़ा रिलैक्स हूँ, अब मुझे वहाँ नहीं जाना। तो ये होता है कि एक बार क्लासेस हो तो वही ठीक है, अब क्योंकि अब मेरी मतलब वेडिंग की कोरियोग्राफीज भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं सारी और कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक है अब स्टूडियो पे थोड़ा फोकस करता हूँ और अपना एक दो प्रोजेक्ट है आगे आने वाले टाइम में मार्च में, उन पे थोड़ा फोकस करता हूँ। तो ठीक है, वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्योर इज लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।